हेलो दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का सक्सेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यानी कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आप बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप अपना रिजल्ट जाके देख सकते हैं। अभी तक कुछ दिन पहले बीए फर्स्ट ईयर का आया था, उसके बाद थर्ड ईयर का आया था बीए, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर बताइए बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर हुआ, तो मैंने सोचा आपको इन्फॉर्मेशन कर दूं कि बीए सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा जब मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ या नोटिफिकेशन अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप अपना रिजल्ट पूछना चाहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूंगा कि आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो हम बात करते हैं कि बी एस सी कैंडिडेट का रिजल्ट कैसे देखना है। तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन ऊपर या नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिल जाएगा रिजल्ट का, जहाँ पर मार्कशीट और रिजल्ट दोनों एक में अपडेट कर दिया गया है ये ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट रिलीज हुआ है तो अभी थोड़ा नेट वीक चल रहा है, हमें लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सर्वर पर अपना रिजल्ट देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा वीक है नेट, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, फाइनली नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है जहाँ पे आपको रिजल्ट देखना है। तो यहाँ बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का मिल जाएगा और बीए फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर का आ चुका था, आज बीए सेकेंड ईयर का भी रिलीज हो चुका है, आप देख सकते हैं बीए टू ईयर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना सारी डिटेल्स देखनी है। यहाँ पर अपना कॉलेज कोड और अपना कॉलेज नेम देखना रहेगा और उस पर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और अपना कॉलेज के नेम के भी थ्रू अपना यहाँ व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये कॉलेज है तो आप इसे व्यू पे रिजल्ट करेंगे, तो व्यू पे रिजल्ट करने के बाद फिर से आपको दूसरे पेज पर फॉरवर्ड करेगा जहाँ पर आपका रिजल्ट आपको देखना रहेगा। तो वहाँ पर अपना आप रोल नंबर मेंशन करेंगे, रोल नंबर मेंशन करने के बाद आपका रिजल्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है, जबकि मेरा नेट फास्ट है, फिर भी ये क्योंकि बहुत सर्वर इसका साइट का बिजी है। तो फाइनली नेक्स्ट पेज ओपन होके आ गया, आप अपना रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पर जैसे कि सबमिट सो रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका रिजल्ट पब्लिश होके आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको रिजल्ट देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, आपका कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और डिस्कशन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, जिससे ज्वाइन होकर आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक एक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी अपना इन्फॉर्मेशन पा सकें कि रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।